हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड्रॉयड 101। ये हमारा 21 ट्यूटोरियल है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ऐप को एमुलेटर में चला सकते हैं। अभी तक हमने ये सीखा था कि कैसे आप अपनी ऐप को अपने फ़ोन में चला सकते हैं, जो कि एक बेस्ट वे है अपनी ऐप को चेक करने के लिए। अब मैं आपको बताऊँगा कैसे आप उसे एमुलेटर में चला सकते हैं। बार बार फ़ोन को ना कनेक्ट करना पड़े आपको और बार बार उसमें चेक ना करना पड़े, इसलिए हम एमुलेटर में काम कर सकते हैं। तो देखिए, एमुलेटर में काम करने के लिए फिर से हम यहाँ पर एक ग्रीन बटन, जो हमें प्ले का बटन है, इसको हम दबाएंगे और यहाँ पर से इसे रन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, मुझे नेक्सस 5 API 24 एक डिवाइस दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ये एमुलेटर पहले चलाया है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेट की थी, इसलिए मुझे ये दिखा रहा है। अगर आपके इस पर यहाँ पर कोई भी डिवाइस नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिवाइस पर क्लिक करेंगे और जो भी डिवाइस आपको पसंद है, जिस भी डिवाइस का आप देखना चाहते हैं, वो डिवाइस यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्सस 5 सिलेक्ट है, मैं इसे नेक्स्ट करूँगा इधर से। अब नेक्स्ट करने के बाद ये मुझसे कुछ पूछेगा, यहाँ पर भी इसे नेक्स्ट कर लेंगे सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा आपको पुट नहीं करना है। फिर आपका पोर्ट्रेट मोड पूछ रहा है, लैंडस्केप मोड, आप पोर्ट्रेट मोड को रखिएगा इस तरीके से, सिलेक्ट कर लीजिए इसे और यहाँ पर इसे हम फिनिश कर लेंगे। अब थोड़ा टाइम लेगा ये एमुलेटर को स्टार्ट करने में। अब देखिए, यहाँ पर मुझे ये दिखा दे रहा है नेक्सस 5 API 24 और नेक्सस 5 API 24 2, क्योंकि दोनों सेम ही हैं। अगर आपके अलग अलग एमुलेटर हैं तो अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, उसमें से आप कोई भी एमुलेटर सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी एमुलेटर में अपने आउटपुट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे ओके कर लूँगा, इंस्टॉल एंड कंटिन्यू करूँगा और ये मेरे को एक एरर दिखाई देगा कि पैकेज अनअवेलेबल है, इसे मैं ओके कर लेता हूँ। अगर आपका ये एरर आ रहा है तो आप इसे ओके कर लीजिए। यहाँ पर ओके कर लेंगे और कैन नॉट लॉन्च AVD एमुलेटर आउटपुट, इसे ओके कर लेते हैं एक और बार। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरा एमुलेटर यहाँ पर चल तो गया है, लेकिन इसमें कुछ वार्निंग्स आ रही हैं, इसे इग्नोर मारता हूँ मैं। और यहाँ पर ये यह हमारा चलना स्टार्ट हो गया, ऐप होनी लॉन्च होनी स्टार्ट हो गई है हमारी। तो देखिए, जैसे ही आपका फ़ोन स्टार्ट होता है, रीस्टार्ट होता है, वैसे ही ये भी क्या होगा, बूट होगा। थोड़ा टाइम लेगा बूट होने में। और जैसे आप पहली टाइम अपने फ़ोन को ऑन करते हैं, वो आपको कुछ हिंट देता है या फिर कुछ ऑप्शंस देता है, वो ऑप्शन हमारे यहाँ पर एमुलेटर में भी हमें दिखाई देंगे, तो उन्हें हम सीधे इग्नोर मार सकते हैं, फिर ओके ओके करके नेक्स्ट कर सकते हैं और अपनी ऐप को डायरेक्ट चला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी ये ओपन हो गया है और हमारा ऐप नहीं चली है, तो हम फिर से इस ऐप को चलाएंगे, दोबारा से इस प्ले बटन को दबाएंगे और यहाँ पर स्टार्ट ऐप करेंगे और आप इसी में ओके कर लेंगे जिसमें चल रहा है। तो एमुलेटर चला हुआ है, तो दोबारा से रिस्टार्ट नहीं होगा, आपका ये इसी में इसको चलाएगा। ओके कर लेते हैं फिर से और यहाँ पर आप देखेंगे कि एमुलेटर में हमारा आउटपुट आ जाएगा, जिसमें हमने लिखा था आपका हेलो वर्ल्ड। इसके नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल्स में हम बर्थडे कार्ड का ऐप बनाना सिखाएंगे आपको, कैसे आप बर्थडे कार्ड ऐप बना सकते हैं, उसे हम एमुलेटर में रन करके दिखाएंगे आपको और उसे हम आपके फ़ोन में भी रन करके दिखाएंगे कि दोनों में आपके आउटपुट किस तरह से आएगा और किस तरह से आप चला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो ऐप थी हैप्पी बर्थडे हेलो वर्ल्ड, उसमें आपका लिखा हुआ आ गई है। अगर इस तरीके से आपका आउटपुट नहीं आ रहा है, तो जो भी आपका एरर आ रहा है, आपका दिखा रहा है एरर, वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए या फिर आप अपने स्क्रीन की स्क्रीनशॉट खींच के भी हमें फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम आपका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क्स।